नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से जमुआ में एमएसपी कानून लागू करने के उद्देश्य से एक रैली निकालकर जमुआ प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं मौके पर भाकपा माले के अशोक पासवान ने कहा कि आज के ही दिन केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा कृषि काला कानून लाया गया, जिसमें कई किसान की मृत्यु भी हो गई है। गुरु नानक जी की जयंती पर आखिरकार मोदी सरकार ने इस काले कानून को वापस लिया। साथ ही साथ जमुआ प्रखंड तथा अंचल के मुद्दे को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस अवसर पर माले के रीतलाल वर्मा, माले नेत्री मीनादास सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। किसान आंदोलन का एक साल पूरा होता है, इसी 26 नवंबर से पूरे देश में किसानों ने काले कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था, एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए छेड़ रखा था। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज भाकपा माले के इकाई अखिल भारतीय किसान महासभा के ओर से एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग देश की सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दिया जाए और लखीमपुर खीरी सहित तमाम जो किसानों की हत्या हुआ है उन किसान परिवारों को मुआवजा दिया जाए और हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अजय मिश्रा उप टेनी उनको बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी किया जाए और उन किसान परिवार जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को भरण पोषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मा ले, उनका जो मुआवजा दे। ये प्रमुख मांगों के साथ साथ ये जमुआ के अंदर यहाँ के सीओ और वीडियो पूरे तरीके से भ्रष्ट हैं। किसानों के अपनी ही जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए दसियों हजार रुपया जो देना पड़ता है, महीनों जो गिरिडीह और जो है जमुआ का चक्कर काटना पड़ता है, रजिस्टर टू का बहाना बनाया जाता है कि ब्लॉक में नहीं है, रजिस्टर टू के लिए लोग गिरिडीह किसान परेशान होते हैं और उसके बाद जो है उनको बीसों हजार जो बिचौलिए के हाथ में जो थमा देना पड़ता है। साथ ही जो है हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण इलाके के छोटे छोटे किसान को हजार रुपये और 800 रुपये अपनी धान को जो बिचौलिया के हाथ में बेच लेना मजबूरी बन गया है। हम लोग मांग करते हैं आज धरना के जरिए कि हर पंचायत में धान क्रय केंद्र खोला जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के छोटे किसान भी जो है सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी पर जो धान की खरीद की है वो छोटे किसान भी कर सके। इन्हीं सवालों के लेकर आज देश के हर प्रखंडों में अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से हम लोग धरना संचालित किए हुए। वी टाइम न्यूज के लिए जमुआ से रवि राजा की रिपोर्ट।